हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशा और मैं फिर ले आई हूँ आपके लिए कुछ नया। और ये होने वाला है बहुत ही यूनिक, क्योंकि आज आपके साथ भी कोई और भी प्रैक्टिस करने वाला है, जो कि है ये है जो कि मेरे नए स्टूडेंट है और इनको थोड़ी थोड़ी मेहंदी आती है और बाकी जो है ये मुझसे सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा है कि इनको सिखाते मैं थोड़ा थोड़ा आपको भी सिखा दूँ, क्योंकि बहुत सी मिस्टेक हो सकता है आप लोग सिमिलर कर रहे हो और जो मैं नहीं कवर कर पा रही हूँ वो इनकी मिस्टेक में मैं कवर करूँगी। अगर आपको लगता है वो मिस्टेक आप भी कर रहे हैं तो वो आप भी कवर करेंगे और ये भी कवर करेंगे। तो आपको मिल गया है एक और पार्टनर आपके साथ सीखने के लिए, तो वो तो सबको चाहिए होता है। तो चलिए आप भी एक पेपर और एक कोन लेके रेडी हो जाइए। हम कोन से ही डायरेक्ट ट्राई करेंगे, एक फ्लावर हम ड्रॉ करके देखेंगे। एक साइड मेरा स्टूडेंट का वर्क होगा और एक साइड मेरा वर्क होगा। मैं एक राउंड बना के एक फ्लावर बनाऊंगी, जो कि आपको भी बनाना होगा और मैं इनसे भी बनवाऊंगी। ये जैसे जैसे बनाते जाते हैं, जो इनकी मिस्टेक हो रही है वो अगर आपकी हो रही है तो आप उसको कवर करेंगे। मैंने एक सर्कल बनाया है और उसको धीरे धीरे मैंने प्रेशर के साथ, एक जैसा प्रेशर रखा है, एक जैसे प्रेशर के साथ उसको धीरे धीरे राउंड बनाना है, आराम से बनाना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, इस तरह से आप राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मेरे स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छे से राउंड कवर कर लिया है। बस ध्यान रहे कि जो इसमें गेपिंग अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है वैसी नहीं आनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए गेपिंग लाइन के बीच में, ठीक है। अब इस तरह से हम प्रॉपर डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में तीन चार लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, जितना उसमें लाइन ड्रॉ हो रही है उस हिसाब से, एंड इसके ऊपर ऊपर एक हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें हमको इस तरह से फिल करना होगा। पॉइंट बीच में से मोटा होगा, बीच में से मोटा रख के साइड में से हमको पॉइंटेड रखना है, तीखा रखना है, बीच में मोटा रखना है और साइड में तीखा रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक फ्लावर बनाना रहेगा, ठीक है। अब आप बनाइए, आप कैसा फ्लावर बना रहे हैं मैं देख के आपको बताती हूँ कि आप में आपके इसमें क्या मिस्टेक होती है। बहुत आराम से, इतना दूर दूर नहीं जाना है क्योंकि इसको हमको फिल करना है, तो जितनी मेहंदी आप निकालेंगे उतनी आपके हाथ पे स्प्रेड भी होगी, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत दूर नहीं जाना है, थोड़ी सी गेप पर ही जाना है। ओके, अब बनाया तो आपने, कोशिश बहुत अच्छी थी आपकी, पर इसमें फिनिशिंग नहीं आई है। तो एक बार और हम ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, इस तरह से आप एक सर्कल बनाएंगे। अभी इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको ये चीज़ बनानी है। अब उस लाइन के ऊपर हम इस तरह से डायरेक्ट लाइन बनाएंगे, एक जैसे प्रेशर के साथ, ठीक है। एक जैसे प्रेशर के साथ आप लाइन बनाएंगे। अच्छा, याद रहे बीच में मोटा होगा, साइड के जो कॉर्नर है वो पतले होंगे, पतले होंगे जिससे वो फिनिशिंग से दिखेगा। अगर आपने साइड के कॉर्नर मोटे बना दिए तो वो अच्छे से नहीं दिख पाएगा और वो सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी स्टूडेंट भी उसका वर्क स्टार्ट कर चुकी है, उसने एक सर्कल बना लिया है। गुड, ये सर्कल बहुत सुंदर बनाया है आपने, इस तरह से ही आपका सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें जो तीन पॉइंट आए हैं, अब इसके इतना दूर नहीं लेना है, जो आपका सर्कल है ना उससे इतना दूर आपकी लाइन नहीं जाएगी, थोड़ा सा गेप होगा ताकि सब चीज़ें मिक्स ना हो, सिर्फ इतना सा गेप रखना है, ठीक है। गुड, यस। अब इस तरह से मिक्स नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब वो मिक्स होने की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, आप देख सकते हैं, ये मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। आप मेरा फ्लावर और इनका फ्लावर देख सकते हैं, इन्होंने जो बनाया है उसमें थोड़ा सा गेप हो गया है जिससे वो क्लियर नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। ओके, जो अभी गलती बताई है वो बराबर याद रखना। हम फ्लावर स्टार्ट कर चुके हैं, फ्लावर की लीव का जो डिज़ाइन है वो हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं। हाफ पार्टीशन में मैंने आपको ऊपर बना के बताया है, हल्का सा कर्व रख के उसको अपन को दूसरी लीफ पे कनेक्ट करना है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे लीफ के डिज़ाइन की, जो हमने फ्लावर के पेटल का डिज़ाइन है वो कैसे बनाना है। अच्छा, जो फ्लावर के पेटल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे हमको शेडिंग करनी है। शेडिंग दो तरह से हो सकती है, उस लाइन को नीचे की तरफ स्प्रेड कर दो, नीचे की तरफ स्प्रेड कर दो, या फिर उसको सर्कुलर मोशन में शेडिंग कर दो, ठीक है। दो तरह से आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब कौन सा आपके लिए बेस्ट है आपको वो डिसाइड करना है। सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपको शेडिंग करनी है, पेटल के डायरेक्शन में ही आपको जाना है, पत्तियों के डायरेक्शन में ही आपको जाना है, जिस डायरेक्शन में पत्ती का डिज़ाइन है उसी डायरेक्शन में आपको
शेडिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करिए। OMG, उप्स, नहीं ये इतना इतना छोटा नहीं बनाना है, इतनी सी गेप रखोगे तो कैसे चलेगा, ये इतना गेप होना ज़रूरी है। ओके चलिए स्टार्ट करिए। ओके गुड, इतना गेप के साथ ही आपको काम करना है। आप फ्लावर बना रहे हो डियर, आप फ्लावर बना रहे हो तो थोड़ा गेप होना ज़रूरी है ना। ओके डन, इस लाइन को प्रॉपर नीचे लो, प्रॉपर लाइन नीचे आनी चाहिए, प्रॉपर पेटल बनने चाहिए, लाइन ऊपर ऊपर रह के काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऊपर लाइन अगर रहती है तो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग पाएगी एंड में, इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखना है। ओके नहीं इतना कम शेडिंग नहीं करना है, मैंने शेडिंग कैसे किया, प्रॉपर पेटल में। ठीक है, प्रॉपर पेटल्स में मैंने पूरे पूरे पेटल का डिज़ाइन जो मेरा है उसमें पूरा पूरा शेड किया है। ठीक है, तो आपको वैसे ही शेडिंग करनी है जैसे मैंने आपको इधर मेरे इसमें करके बताया, सेम वैसा ही करना है। दोनों डायरेक्शन मैंने क्या बोला, पेटल के डायरेक्शन में आपको जाना है, पेटल के डायरेक्शन में। आपने एकदम डायरेक्शन चेंज कर दिया, एकदम कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, पेटल के डायरेक्शन में आपको जाना है, जैसा उसका फ्लावर की पत्ती का जिधर डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है। यस, इस तरह से। ओके यस, गुड गुड वर्क, गुड गुड, ये अच्छा लग रहा है। नो आपने शेडिंग कैसे चेंज कर दिया, आप सर्कुलर मोशन में शेडिंग कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रोक शेडिंग नहीं करोगे आप, अगर सर्कुलर मोशन में शेडिंग कर रहे हो तो आप स्ट्रोक शेडिंग नहीं करोगे, पहले सर्कुलर मोशन वाला फ्लावर कंप्लीट करोगे फिर स्ट्रोक शेडिंग पे जाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ को अच्छे से बनाना है। शेडिंग थोड़ी अच्छी थी, बहुत बुरी नहीं कह सकते पर हाँ थोड़ी अच्छी थी। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है, एक जैसी शेडिंग होनी चाहिए, कहीं डार्क कहीं लाइट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ इनके में मैंने देखी है तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ तो अगर आपको नहीं समझ आया है या आप नहीं सुन पाए हैं तो आप इस वीडियो को पीछे ले जाके आप उसको सुनिएगा, पर हर चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, पेटल्स में पूरी पूरी शेडिंग करनी है, शेडिंग में आपको कमी नहीं रखनी है। ठीक है, एक जैसे डायरेक्शन में शेडिंग करनी है, जहाँ आपका पेटल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको शेडिंग करनी है। ठीक है, लेफ़्ट डायरेक्शन में है तो लेफ़्ट डायरेक्शन में ही आपको शेडिंग को चलाना होगा। ऊपर से नीचे की तरफ है पेटल का डायरेक्शन तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ ही शेडिंग करनी होगी। ठीक है, अभी आप इसको नए तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन आपने बनाई है आप वही लाइन में उसको क्रिएट करो, पहले सिर्फ उसके ऊपर एक बॉर्डर बन जाती थी, अब जो है कुछ नया करना है तो आप उसके ऊपर हल्का सा कहीं से भी उसको उसको डार्क करके बना सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से पेटल के डायरेक्शन को सेट आप कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन पे। ठीक है, कोशिश करना कि उसका जो राउंड है वो कहीं मिस ना हो, वो कहीं भी आपका बिगड़े ना, कोशिश करना वो भी अच्छा दिखे और आपका पेटल का जो आप लुक दिखाना चाहते हो वो भी अच्छा दिखे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करती जा रही हूँ, इस फ्लावर को परफेक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, ओके, बहुत दूर पेटल की लाइन से पेटल की बॉर्डर जो आपने पहले बनाई है उससे बहुत दूर नहीं जाना है, जिससे आपकी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़े ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको उतना ही दूर जाना है जितना आपको फील करना है। ठीक है, उसको उस पेटल की बॉर्डर के साथ जो नेक्स्ट बॉर्डर आप बनाए हो उसको जहाँ पे फील करना है सिर्फ उतना ही उसको आपको दूर लेके जाना है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से मैंने पहले पेटल बना दिया, ज़रूरी नहीं है सारे पेटल सिमिलर हो, आप अलग अलग कर सकते हैं, इसको इस राउंड में ले जा सकते हैं, उसको उस राउंड में ले जा सकते हैं, ऐसे 3-4 राउंड आप मतलब कुल मिला के राउंड वाला शेप होना चाहिए, कहीं से भी आप उसको उठा सकते हैं, उसकी बॉर्डर को आप कहीं से भी डार्क कर सकते हैं, पर 3-4 शेप जो सर्कल वाले होते हैं आपको उसी पे जाना है। ठीक है, तो एक सर्कल वाला शेप आपको मिलना चाहिए कंप्लीट होने के बाद, अच्छा दिखेगा, बाकी तो फ्लावर आप कैसे भी बना सकते हो, नो डाउट बन सकता है,
ठीक है। अब जैसे इन्होंने बहुत दूर दूर बॉर्डर ले ली, जिससे उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा फील करना पड़ रहा है ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना दूर दूर नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना है पास में ही रहे, पर एक थिक बॉर्डर आने जैसा वहाँ पे जगह रहे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे बॉर्डर की, तो आई होप आपको बॉर्डर वाली चीज़ तो अच्छे से समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले फ्लावर में मैंने सर्कुलर मोशन में शेडिंग की थी, इधर मैं स्ट्रोक शेडिंग ले रही हूँ। अगर आप स्ट्रोक शेडिंग करते हैं तो आपको पूरे ही फ्लावर में स्ट्रोक शेडिंग करनी है, आप अगर सर्कुलर मोशन पे शेडिंग करते तो आपको पूरे ही फ्लावर में सर्कुलर मोशन पे शेडिंग करनी है। स्ट्रोक शेडिंग मैंने कैसे की, पहले डार्क बॉर्डर ले ली एंड उसको नीचे की तरफ मैं स्प्रेड करती जा रही हूँ। वो जो मेरी बॉर्डर है उसी को मैंने नीचे की तरफ स्प्रेड किया, जिससे जो ऊपर एक्स्ट्रा मेहंदी लगी है वो उसके साथ साथ नीचे की तरफ स्प्रेड हो रही है और वो फ्लावर कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मेहंदी का यूज़ नहीं करना है, ऊपर जो मेहंदी है उसको नीचे की तरफ स्प्रेड कर देना है और ये वाली शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इधर मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी पत्ती का शेप जो लीफ का डिज़ाइन है वो कंप्लीट बनाया है। ये लाइन पूरी नीचे आनी चाहिए, याद रहें ये बार बार यही मिस्टेक कर रहे हैं, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ये नीचे की तरफ लाइन नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। ये इनकी एक मिस्टेक, बहुत ख़ास सी मिस्टेक हो रही है जो ये नहीं कवर कर पा रहे हैं। ओके ठीक है, अभी ये स्ट्रोक शेडिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से, धीरे 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 आपका ओके धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रोक शेडिंग करी है बॉर्डर बनाने के बाद। अच्छा, कहीं डार्क कहीं लाइट ऐसा नहीं करना है, हल्का हल्का सा बॉर्डर के पास में से हल्का हल्का सा ही आपको नीचे स्प्रेड करना है, सिमिलर बिल्कुल सेम। आप अगर उसके ऊपर बॉर्डर बना देते हो इस तरह से तो वो उसका जो सेंस है वो इतना वो नहीं रहेगा, आपको एक थोड़ा सा थिक सा बॉर्डर बनाना है, सिंपल सा बॉर्डर नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ सिंपल सी एक लाइन से आप उसको नीचे स्प्रेड करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा थिक बॉर्डर लेना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उसको स्प्रेड करते जाना है लाइक दिस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम से करनी है। नीचे की तरफ आप स्ट्रोक शेडिंग के साथ उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में पेटल का डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दो तीन चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। एक पेटल के डायरेक्शन में आपको शेडिंग करनी है, बॉर्डर को आपको अच्छे से डार्क करना है, और दूसरा तो बॉर्डर का डार्क करना हो गया, तीसरा एक और लास्ट अपना जो अभी चल रहा है टॉपिक वो है लाइन, जिसमें आप जो पेटल की लाइन बना रहे हैं वो प्रॉपर आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप अच्छे से कवर करना, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इतना गेप नहीं छोड़ना है, थोड़ा और नीचे आने दो, गेप नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गेप नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको ले सकते हो, पर उसी डायरेक्शन पे आपको लेना है जो लीफ का जो डायरेक्शन है, पेटल का जो डायरेक्शन है, आपको उसी डायरेक्शन पे उसकी शेडिंग करनी है। अब उसका डिसीजन आपका होगा, जैसा पेपर है आपको वैसा ही रखना है, क्योंकि आपका हाथ इधर उधर आप नहीं हिला सकते, तो कोशिश करो कि एक जैसे पेपर को रख के ही प्रैक्टिस करो, पेपर को बार बार इधर उधर नहीं घुमाना है। ये शेडिंग गलत है क्योंकि इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन पे से शेडिंग लेने की कोशिश करी, ठीक है। बॉर्डर थोड़ी सी और थिक करेंगे, ठीक है, इतनी पतली बॉर्डर नहीं रखना है, थोड़ी सी और थिक करना है, नीचे तक लाइन आनी चाहिए। उन्होंने पहले ही, मैं उनकी मिस्टेक बता रही थी, उन्होंने फटाफट पहले ही उसको लाइन को लेके कवर कर दिया, हो गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से आपको बनाना है। आप देख सकते हैं इन्होंने कोशिश बराबर की है, बनाया है इन्होंने, पर वो लुक नहीं आ पाया जो मेरे इसमें फ्लावर में दिख रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे आपको क्या चीज़ लेनी है। फ्लावर में फिनिशिंग तभी आती है जब आप शेडिंग और बॉर्डर पे अच्छे से ध्यान देते हैं, ठीक है। हर पेटल को प्रॉपर पूरा पूरा नीचे तक लाइन लेके बनाना है, जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया इस तरह से आपको बनाना है। चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं, जिससे जो मिस्टेक मैंने बताई है क्या वो ये कवर कर पाए हैं,
और अगर नहीं कर पाए हैं तो ये इनको मिलेगा होमवर्क में, और जो कि ये मुझे करके बताएंगे जिसको इनको करना होगा 10 बार पूरे एक पेपर पे। ये 10 बार इसी चीज़ को बनाएंगे, कुछ सर्कुलर मोशन पे और कुछ बॉर्डर स्प्रेड करते हुए जो शेडिंग होगी उस वे में, स्ट्रोक शेडिंग के साथ कुछ वो बनाएंगे और कुछ सर्कुलर मोशन वाली शेडिंग के साथ बनाएंगे, ठीक है। इतना गेप नहीं रखना है, जब आप डार्क कुछ बनाते हो तो इतना गेप नहीं रखना है, सिर्फ इतना गेप रखना है, इतना भी नहीं रखना है कि वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा गेप रखना है ताकि वो चीज़ अच्छी दिखे, ठीक है, ना सर्कल को टच करें ना वो एक दूसरे को टच करें, ठीक है। ये तो इन्होंने बहुत अच्छे से बना लिया, सर्कल भी बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने। अब देखते हैं पेटल और ये कैसे बनाते हैं। फाइनली इन्होंने अभी वापस यही मिस्टेक करी है, थोड़ी थोड़ी सी, जो कि पेटल पूरे नहीं बनाने की। कोई बात नहीं, ये इनका होमवर्क पक्का है। ओके, तो आप भी अगर ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं तो आप भी 10-10 बार इस फ्लावर को बनाएंगे। शेडिंग गलत है, शेडिंग को आपको प्रॉपर नीचे लेना है, जिस डायरेक्शन पे वो कर रहे हैं वो सही है, नो डाउट, पर नीचे तक लो ना, नीचे तक आने दो, प्रॉपर नीचे तक आने दो, उसका डायरेक्शन भी देखते जाओ, प्रॉपर नीचे तक आने दो उसको। अब मैं करके बताती हूँ आपको। फटाफट कवर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। अब इसमें बीच बीच में आपको दिख रहा होगा वो डॉट डॉट सा दिख जाता है, ठीक है। अब ये होती है शेडिंग, सर्कुलर मोशन में ये शेडिंग होती है, एक जैसी दिखनी चाहिए, इधर उधर लाइनें नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बीच बीच में से आप कहीं से भी शेडिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, स्पीड बढ़ाते हुए स्पीड कम कर लिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। हाँ, और बहुत आराम से काम करना चाह रहे हैं ताकि अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा, सर्कुलर मोशन वाली शेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप धीरे काम करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। मीडियम स्पीड रखिए, काम अच्छे से ही होगा, ठीक है। मीडियम स्पीड के साथ काम करेंगे तो सब होगा, बस याद रखना नीचे उसको प्रॉपर लेना है, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं करना है। आप मेरे फ्लावर्स देख सकते हो, मैंने सर्कल वाला जो मेरे राउंड बनाया है वहाँ से मेरा शेडिंग का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, इतना गेप नहीं है मेरे इसमें। अभी जो ये बॉर्डर ले रहे हैं इसमें बहुत सारी ये मिस्टेक कर रहे हैं, जिसको ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं बताती हूँ। अगर ये मिस्टेक आप भी कर रहे हैं तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ओके, मैं बता देती हूँ। ये पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही इनको इनकी मिस्टेक मैं बताऊँगी, बीच में बताऊँगी, तो ये मिस्टेक को फटाफट कवर कर लेंगे, बहुत स्मार्ट है ये। तो आप सभी ऐसा ही करते हैं, अगर बीच में बता दिया तो कवर कर लेंगे। अभी इन्होंने जैसे बॉर्डर बनाई है उसके जो शेडिंग है और बॉर्डर है उसके बीच में बहुत सारी गेप दिख रही है, जिससे फ्लावर में वो फिनिशिंग नहीं दिख पाती है। इन्होंने बहुत अच्छा फ्लावर बनाया, कोशिश बहुत अच्छी थी, पर फिर भी वो शेडिंग और बॉर्डर के बीच में जो गेप है वो नहीं कवर कर पाए, और जिससे वो फ्लावर इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा था, ठीक है। हम ऊपर से एक्स्ट्रा बॉर्डर क्यों बनाते हैं, ताकि बॉर्डर और शेडिंग के बीच में जो गेप है वो कवर हो जाए, ठीक है। इसलिए हम एक्स्ट्रा बॉर्डर और इतनी थिक बॉर्डर बनाते हैं ताकि बॉर्डर और शेडिंग के बीच में जो गेप है वो हम कवर करके उसको एक अच्छा और फिनिशिंग टच दे पाए, ठीक है। तो बॉर्डर बनाना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, तो इतनी गेपिंग नहीं रखनी है। प्रॉपर मेरे फ्लावर में आप देख सकते हो, मैंने जो आपको बताया शेडिंग आप मेरे फ्लावर में देख सकते हो, मैंने इतनी गेप नहीं रखी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लावर आपको ऐसे बनाना है, शेडिंग आपको ऐसे करनी है, और शेडिंग और बॉर्डर के बीच में जो गेप है वहाँ पे आपको मोटी वाली बॉर्डर लेनी है, फिनिशिंग फाइनल फिनिशिंग लाइन जो आप लेंगे वो बॉर्डर और शेडिंग के बीच वाली लाइन को कवर करते हुए लेंगे।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, फ्लावर से रिलेटेड एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर आप इस तरह के और टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा और आपको इसके और कैसे कैसे टॉपिक चाहिए है, आप और क्या क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।